तो आज हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ट्रिक मेथड। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर इंटीग्रेशन दो टर्म का पूछना हो बाय पार्ट मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल का इंटीग्रेशन इस तरीके से किया जाता है। तो फर्स्ट ही हमको ये समझना पड़ता है कि जैसे कोई दो क्वांटिटी दी गई है, दो फंक्शन दिए गए हैं, तो उसमें फर्स्ट कौन लेंगे और सेकेंड कौन लेंगे। तो ये रूल होता है आई रूल का। आई रूल पहले इनवर्स कोई फंक्शन होगा तो उसको फर्स्ट मानेंगे, उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन को, उसके बाद एल्जेब्रिक को, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री को, उसके बाद एक्सपोनेंशियल को, ये क्रम होता है वन टू मानने का, ठीक है। तो इसको हम अगर इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ डी एक्स, चूंकि यहाँ पहला क्या देख रहे हैं एल्जेब्रिक फंक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मतलब पहले ही आ जा रहा है बाद में, तो यहाँ पे फर्स्ट इसको मानेंगे सेकंड इसको मानेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स का होल का इंटीग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो एक ये वे है, इसको हम ट्रिकी वे से अगर करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, तो हम ट्रिकी वे देखते हैं। तो देखिए कैसे आप करेंगे, देखिए अगर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स दे दिया जाए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स, क्या लिखे पहले एक्स लिखे फिर टू एक्स लिखे फिर एक्स लिखे और यहाँ पे हम प्लस माइनस और प्लस लिखेंगे सिंबल के साथ। अब हम क्या करेंगे, दूसरे टर्म को इंटीग्रेट करके लिखेंगे, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स और माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस का होता है साइन मतलब माइनस साइन और माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा कॉस एक्स होगा। तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट अगर देखेंगे तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस टू एक्स साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस सी जो रिक्वायरमेंट। ये डायरेक्ट मेथड है स्टूडेंट्स, किसी भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट को डायरेक्ट हल करना हो तो इस तरीके से हम हल करते हैं, जिसे जो ट्रिकी। ओके स्टूडेंट्स, वी सी अंदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम इसको इंटीग्रेट करना है तो यू नो दैट बाय पार्ट करेंगे तो ये आपका फर्स्ट टर्म होगा, ये आपका क्या होगा सेकंड टर्म। अगर इसको हम इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो दोनों का तो लिखेंगे क्या, मैंने कहा कि इसको फर्स्ट लिखेंगे एक्स क्यू यहाँ थ्री एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट करेंगे सिक्स एक्स, फिर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे सिक्स आएगा। पहले आप लिखेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे कि पावर एक्स का इंटीग्रेशन पावर एक्स होगा, अगेन इंटीग्रेट करेंगे पावर एक्स होगा, अगेन इंटीग्रेट करेंगे पावर एक्स होगा, अगेन इंटीग्रेट करेंगे पावर एक्स होगा। आपका रिजल्ट क्या होगा, एक्स टू ई पावर एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स प्लस सिक्स एक्स ई पावर एक्स माइनस सिक्स ई पावर एक्स प्लस थ्री, नीचे जो रिक्वायर्ड है। तो स्टूडेंट्स एक आसान तरीका है किसी भी इंटीग्रेशन को बाय पार्ट से सिंपल तरीके से ट्रिकी तरीके से करने का तरीका। ओके स्टूडेंट्स।